ऋषभ पंत के विकेट के कंट्रोवर्सी के बाद क्रिकेट जगत में तहलका मच गया। बता दें आपको, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला जो कि मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था, उस मुकाबले में एक बेहद ही कह सकते खराब निर्णय देखने को मिला। हालांकि यह निर्णय फील्ड अंपायर द्वारा नहीं लिया गया। इतना खराब निर्णय थर्ड अंपायर कैसे ले सकता है? इसे देखकर साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स भी अचंभित रहे। एबी डिविलियर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आप किस ढंग से ये श्योर हो सकते हैं कि बैट में गेंद टच हुई है, जबकि उसी टाइम बैट जो है पैड को भी लगा था। हालांकि एबी डिविलियर्स ने आगे ये भी कहा कि अगर हॉटस्पॉट होता तो सब कुछ क्लियर हो जाता। तो बीसीसीआई के ऊपर उंगली उठाते एबी डिविलियर्स ने यह भी कहा कि इस तरह के आप सीरीज में हॉटस्पॉट का प्रयोग क्यों नहीं करते। ऋषभ पंत का विकेट इतना क्रूशियल था कि ऋषभ पंत का विकेट जैसे ही गिरा, भारतीय टीम धीरे धीरे पूरी तरह से धराशायी हो गई। ना सिर्फ तीसरा टेस्ट मुकाबला गवाई, बल्कि 92 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम सीरीज भी गवा बैठी, मतलब पूरी तरह से क्लीन स्वीप सीरीज गवा बैठी। बाकी आप अपनी राय जरूर दें। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।